रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फहीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज इतवार का दिन है और सुबह का वक्त है, तकरीबन 10:45 का टाइम है और हम मौजूद हैं इस वक्त वाटर पम्प चरंगी पर। F11 सामने खड़ी हुई है। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब है, मौसम के असरात हैं। सामने रेड बस गुजर रही है। तो हम यहाँ की एक अपडेट देने जा रहे हैं, आज बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है वाटर पंप की, मार्केट की, कि मज़दूर बैठे हुए हैं मजदूरी के इंतज़ार में। तो आप लोग किस लिए खड़े हुए यहाँ पे? रोजी के लिए। आज बारिश की वजह से काम मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। क्या करते हैं आप? कलर का। क्या नाम है आपका? अख्तियार अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला रहीमयार खान। जिला रहीमयार। कब से यहाँ पर है? तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना काम मिलता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मिलता कभी नहीं मिलता। हालात नहीं है कारोबार के, कोई इलेक्शन की वजह से पहले भी कारोबार नहीं थे, अभी भी नहीं है। हालात महंगाई बहुत है, क्या करें अब। तो आपके शहरों में कारोबार नहीं, कोई कारोबार भी नहीं है। हर जगहों पे ऐसे हालात चाह रहे हैं, जैसे अभी इधर चाह रहे हैं ना, हर जगहों पे ऐसे हालात चाह रहे हैं। हम भी मुल्तान के हैं, वहाँ पे ऐसे हालात हैं, गरीब बंदा किधर जाए। आप कहाँ से भाई? रहीमयार खान से। आप क्या करते हैं? कलर का काम करते हैं, मजदूरी। काम मिल रहा है? कभी लगता कभी नहीं लगता काम। महंगाई में गुजारा कैसे होता है आपका? बस और क्या, अल्लाह चला है और क्या है, जो निजाम अल्लाह के नाश्ता इधर करते हैं होटल पे। आते हैं ऐसे लोग, दिहाड़ी तो चल रही है तकरीबन 2000 रुपये दिहाड़ी है। वैसे आप 2000 भी नहीं दे रहे थे, 1000-1200 रुपये देते हैं। अहल तरसी लोग आते हैं, वो नाश्ता ही भी करा लेते हैं, गरीबों को आते हैं यहाँ पे खाना शाना खिला देते हैं, बाकी काम ऐसे। अभी पहले नाश्ता कराते थे, सब कुछ कराते थे, अभी कोई भी नहीं आ रहा। हर बंदे का एक ही हालात चल रहा है, सब का बुरा हालात है। कोई हालात औखे, कारोबार नहीं मिलते, बस जी कहीं आके औखा वक्त गुजरता पे, ना कोई देता है ना खाता है। मां कुछ नहीं, फैज करीम कलर का काम करते हैं। रोजी मिलती है? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन लगती है। कल भी गया था काम पे, 1200-1500 रुपये लग जाते हैं। हाँ कभी कभी लग जाती है रोजी, वरना बात बैठे ही रहते हैं। रोजी को तंग, कारोबार मिलता नहीं है, कोई जानता नहीं है, औखा झट गुजरता पे, बड़ी परेशानी है, कारोबार नहीं मिलते। सुना आपने, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं मिलता, एक ही परेशानी है सबकी। चलते हैं यहाँ से वाटर पंप की मार्केट की तरफ और आपको थोड़ा सा रास्ता भी दिखाते हैं। ये तो आपने यहाँ बैठे हुए मजदूरों की सूरत हाल जानी, क्या शिकायतें उनकी, क्या रोजगार का सिलसिला है। ये सामने ट्रैफिक आ रहा है गुलबर्ग चौरंगी प्यारा होटल की तरफ से। तो भाई मैं बोलूँगा कम, गले में दर्द है, आप सिर्फ देखिए और लोगों की बातें सुनिए और इलाका देखें। बड़ी तादाद में यहाँ मजदूर मजदूरी हासिल करने के लिए आते हैं। के औजार भी सब रोड पे सेटिंग हो रहे हैं। क्या नाम है लाला आपका? नाम से। कहाँ के रहने वाले हैं? बाजोड़। यहाँ कराची में कब से रह रहे हैं? कराची से तकरीबन 30 साल हो। 30 साल हो गए। क्या करते हैं? बस ये मजदूरी कर रहे हैं। किस चीज़ की मजदूरी? ये सीमेंट का काम कर रहे हैं। सीमेंट का काम। तो दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी आज कर रही है कारोबार। क्यों? बिल्कुल नहीं है कारोबार। क्या दिहाड़ी आपकी? दिहाड़ी तो 2000 भी चल रहे, 1500 भी चल रहे, मगर आज कल कारोबार नहीं है। तो फैमिली कहाँ है आपकी? गांव में। आप यहाँ कहीं ले रहे? बस इधर कुछ अरसा गुजार रहे, फिर चले जाते। क्या नाम है लाला आपका? इंटरव्यू दे यार, चाचा हमारे को बोला इंटरव्यू दे। तो
सुना आपने यहाँ पे ये सूरत हाल है और ये बैनर लगा हुआ है इलेक्शन के सिलसिले में कि सब बारिश का पानी कीचड़ सब मौजूद है। चलते हैं आगे और मज़ीद दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या सूरत हाल है। वाटर पम्प चौरंगी से लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं, दुकानें बंद हुई हुई हैं, 10 बजे के करीब का टाइम है, इतवार का दिन है आज। वाटर पम्प चौरंगी कराची की बहुत मशहूर चौरंगी है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। और यहाँ के हम आपको हालात दिखाते हैं, क्या हालात हैं। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, तो आगे चलते हैं। ये सारी दुकानें आप देख सकते हैं, गोश्त फल सब्जी सब कुछ यहाँ बिकता है। तो देखिए जानिए और कमेंट्स में बताइए। ये बिल्ली रहे कहाँ बैठी? ये मुर्गी के पपीता देख रहे हैं ना मार्केट की सूरत हाल। वाटर पम्प चौरंगी की मार्केट है ये। यूसुफ प्लाजा कौन कौन यहाँ रहता है बताइए अपने कमेंट्स में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इलेक्शन अनकरीब होने वाले हैं कराची में, पूरे पाकिस्तान भर में। और यहाँ पे हेल्पर कौन सा है वो भी हम आपको बताते हैं। हल्का है 248 NA का, NA 248 ये। आ जाए तो यूसुफ प्लाजा, यूसुफ प्लाजा
प्लाजा की एक और साइड आप देख रहे हैं। और ये आ गई है शाहराह पाकिस्तान। एक भाई की मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, इधर लेके जा रहे हैं। बारिश का पानी अभी भी जमा है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो अपडेट वाटर पम्प चरंगी से लेकर यूसुफ प्लाजा और अतराफ के इलाके हमने आपको दिखाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।